हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीब जेरे बाय ज्योति गर्ग। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटजी मेकिंग इन अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड, यानी कि उसके पीछे हमारे क्या क्या फ्लॉज होते हैं, किस तरीके से हम उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को, आज हम उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटजी मेकिंग इन अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज अगर आप देखो तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे मार्केट साइंस है हमें उन्हें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं अपकमिंग के अंदर, ठीक है, जो बढ़ सकते हैं, क्या ट्रेंड आ सकता है, हमें उसके अकॉर्डिंग क्या है अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। अगर हम जो अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, मान लीजिए कि इतना थोड़ा सा ही चेंज आया है और हमने इम्पैक्ट जो है हमें थोड़ा सा ही देखने को मिला है, तो क्या होगा कि वो जो चेंजेस हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा और उन सिनेरियो से हम इजीली कोप अप कर जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अनसर्टेनिटी इतनी नहीं होती है और हमें इम्पैक्ट क्या है काफ़ी देखने को मिल जाता है, तो क्या होगा कि जितने भी हमने सिनेरियोज बनाए थे वो ढंग से क्या है हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनको ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कम रख रहे हैं और अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई है, उस केस में भी क्या होगा हमारे सिनेरियोज ऐसे के ऐसे रखे रह जाएंगे और उन्हें हम ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये है कि अगर अनसर्टेनिटी हमें लगता है कि काफ़ी होने वाली है तो उसका इम्पैक्ट भी जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो उस केस में क्या करना चाहिए कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो भी हम अपने सिनेरियोज बनाए उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड थिंग क्या है कि जो सिनेरियो एनालिसिस होता है, यहाँ पे मैं आपको इम्पैक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेने वाले हैं रॉयल डच शेल का, ठीक है, जो रॉयल डच शेल है उसके बारे में आई होप आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये जो कंपनी है हमारी, ठीक है, तो वो क्या करेगी अगर ऐसा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ जाती है, जैसे वो डायनेमिक है यानी कि जितनी जल्दी जल्दी वो चेंजेस करते रहते हैं, जो चेंजेस आता है जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं वैसे ही रहेंगे, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आ जाए, यानी कि एकदम से टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस आ जाएँ कि वो उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए, तो इनमें से वो क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस टाइप की स्ट्रेटजीज वो बना सकते हैं, हमें ये जानना है, ठीक है। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजीज है, मान लीजिए कि कोई भी चेंज आता है तो हमें क्या डिसाइड करना है कि उसके अंदर हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और ज़्यादा पैसे लगाएं, ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी हो, कोई भी सिनेरियो हो, उससे हमें क्या है कोई भी इफेक्ट देखने को ना मिले और हमारी ग्रोथ होती रहे, ठीक है। एक तो काम ये कर सकते हैं, या फिर हम क्लियरली ट्रैक कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजीज बना के अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या कमियां आती हैं जब कोई भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई भी जब हम डिसीजन लेते हैं तो उस दौरान क्या क्या कमियां हमसे हो जाती हैं। सबसे पहला है प्योर हाइपोथेसिस, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि एक बंदा क्या कर रहा है, आपको फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है और एक बंदे के माइंड में पहले से ही कुछ ना कुछ बिलीव्स हैं, तो आप उसको जितने मर्जी फैक्ट्स प्रोवाइड कर दो वो आपकी सुनने वाला नहीं है, वो सिर्फ यही कहेगा जिसको पहले से कोई चीज़ के ऊपर बिलीव है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सब पता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। वो हमेशा क्या करता रहेगा, अपनी ही बड़ाई करता रहेगा, चाहे आप उसको जितने मर्जी फैक्ट्स बताते रहो, ठीक है। सेकंड चीज होती है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है, आपने एक डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन आपका गलत हो गया, उस डिसीजन को आप रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, जबकि आप क्या कर रहे हो, उससे जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ना, आपकी जो ग्रोथ नीचे जा रही है, आप सिर्फ उसी को देखे जा रहे हो, आप अपने उस डिसीजन को क्या कर रहे हो, करेक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे कि आपको इस पिक्चर में देखने के लिए मिल रहा होगा, ये इंसान क्या कर रहा है, इसने एक गलत डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया इसने, यहाँ से इस टहनी को काट रहा है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब इस टहनी को ये यहाँ से काट देगा तो क्या होगा, ये खुद भी गिर जाएगा, है ना, और अगर ये इस टहनी को यहाँ से काटता
तो ये इसका सही डिसीजन होता, ठीक है। तो हम एक गलत डिसीजन ले रहे हैं उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। सेकंड चीज क्या होती है, रीजनिंग बाय एनालॉगी। रीजनिंग बाय एनालॉगी के मतलब क्या होता है कि एक चीज जो दिख रही है हम दूसरी को भी वैसी ही मान लेते हैं। मान लीजिए कि किसी केस के अंदर दो क्राइम हुए, ठीक है, एक ए ने किया एक बी ने किया, ठीक है, और उस केस के अंदर क्या है, ए जो है वो राइट निकला, यानी कि ए ने कोई क्राइम नहीं किया था, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और सच में क्राइम किसने किया था, बी ने किया था, ठीक है। इसी टाइप का एक सिमिलर सिचुएशन फिर से हुआ, वहां पे भी दो जनों ने क्राइम किया, एक सी था और एक डी था। हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा सीधा सी को बोल रहे हैं कि वो करेक्ट है और डी ने कोई क्राइम नहीं किया है। किस बेसिस पे, क्योंकि जब हमने पहले वाला एग्जाम्पल देखा था वहां पे क्या हुआ था, जो फर्स्ट पर्सन था उसने कोई क्राइम नहीं किया था, सेकेंड पर्सन ने किया था, इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट अपना डिसीजन ले रहे हैं, जो कि गलत होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस के अंदर क्या होता है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये सारे ही ट्री हैं, लेकिन क्या ये सारे ट्री एक जैसे हैं? नहीं ना, सबकी क्लासिफिकेशंस अलग अलग हैं, फिर भी क्या होगा, हम उनको एक ही तरीके से बोलेंगे कि हाँ ये ट्री है, ठीक है, उसको अलग तरीके से हम नहीं देख रहे हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार मैंने जो डिसीजन कर लिया ना, या फिर जो मैंने स्ट्रेटजी बना दी वो बेस्ट स्ट्रेटजी है, वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगी, और वो सोचते हैं कि जितनी भी एक्सटर्नल चीजें हैं हमने उन सबको कंट्रोल कर लिया है। क्या कोविड आपके कंट्रोल में था, क्या आपको पता था कि कोविड आने वाला है और इतना ज्यादा डिजास्टर हमारी इकोनॉमी में हो जाएगा? नहीं पता था, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ लोग सोचते हैं मैंने जो स्ट्रेटेजी बना दी ना वो बेस्ट है, चाहे फ्यूचर के अंदर कुछ भी हो जाए मैं उससे ओवरकम कर जाऊंगा, तो ये चीज भी एक गलत होती है। नेक्स्ट है हमारी अवेलेबिलिटी एरर। अवेलेबिलिटी एरर के अंदर क्या होता है कि हमारी सोच क्या है, हम इतना बड़ा पोर्शन है हमारे पास, इतने बड़े पोर्शन में से हम सिर्फ इतनी सी चीज जानते हैं, ठीक है, तो इतनी सी चीज के ऊपर हम पूरा फोकस मार देते हैं कि हाँ जी मैंने जो बोल दिया ना वो सही है, 100% सही है, आज चाहे जो मर्जी बोलते रहो। जैसे कि पूरी दुनिया की न्यूज होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, न्यूज चैनल पूरी जगह तो अपना कैमरा लेकर नहीं घूम सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही वो शो कर सकते हैं, ठीक है, तो जितना पोर्शन उन्होंने कवर किया हमें तो सिर्फ उतने की ही न्यूज है ना, है ना। इसी तरीके से जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि जो चीज हमारे पास हमें दिखाई जा रही है, जो चीज हमारे पास है वो क्या है, हो सकता है दिखने में ज्यादा हो या कम हो, तो वो भी एक तरीका का क्या होता है, एरर होता है। तो इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। अब सबसे पहला क्या होता है, हम एक डेविल्स एडवोकेसी बना सकते हैं। डेविल्स एडवोकेसी कैसे बनाएंगे, डेविल एडवोकेसी के लिए क्या करना होगा हमें, डेविल एडवोकेसी के अंदर हमें जो हमने पहले से बना के रखा है, ठीक है, जो हमने पहले से सोच के रखा है कि हाँ ये हमारा परसेप्शन है, ये हमारे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में हमारे प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो दोनों के बीच में गैप आ रहा है उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, एक पर्सन को डेविल बना के। यानी कि आपने सब कुछ अच्छा अच्छा सोच लिया, अब एक पर्सन को आप बोल रहे हो कि जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं ना आपको सिर्फ उसके बारे में बुरा बुरा बोलना है, क्या क्या नेगेटिविटी उसके अंदर आ सकती है, क्या क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं, तो इस तरीके से हम क्या है अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायलिस्टिक इंक्वायरी। डायलिस्टिक इंक्वायरी के अंदर क्या होता है, हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं क्या क्या पिटफॉल्स हमारी पॉलिसीज के अंदर आ सकते हैं, क्या क्या पिटफॉल्स हमारी स्ट्रेटजी के अंदर आ सकते हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आउटसाइड व्यू। आउटसाइड व्यू के अंदर क्या होता है, जो पहले किसी और पर्सन ने डिसीजन लिया हुआ है, उसके जो पास्ट स्ट्रेटजीज थी, इनिशिएटिव्स उसने जो लिए थे, उसका रिजल्ट उसको क्या मिला, हम उसके बेसिस पे भी अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, जो मैकडी है वो सबसे पहले जो है बीफ बर्गर लेकर आया था, यानी कि बीफ मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा क्या है, उसके बर्गर्स लेकर आया था। और आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर क्या है, गाय को पूजा जाता है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं बिकेंगे, तो जो मैकडी था वो बहुत बुरी तरीके से पिट गया था इंडिया के अंदर। उसके बाद वो दोबारा इंडिया के अंदर आया आलू
टिक्की लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी ग्रोथ ही, तो हम क्या है अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं एक दूसरे वे आउट से कि दूसरे पर्सन ने क्या डिसीजंस लिए थे। और फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट लेसन होने वाला है ना वो फाइव पोटर के जो मॉडल्स थे उसके ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेसन है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या होता है, हम एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठा लेते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, और वो हमें बताते हैं कि हम क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं, किस तरीके से एक चीज को हम देख सकते हैं। मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे जाहिर सी बात है उतना ज्यादा दिमाग होगा, उतने ज्यादा ब्रेन्स होंगे और उतने ज्यादा आइडियाज हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेल्फी टेक्निक को भी हम यूज कर सकते हैं अपने डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं। हमने कौन सी इंडस्ट्री ली है, हमने कोक इंडस्ट्री ली है, ठीक है। कोक इंडस्ट्री के अंदर हम सिर्फ सोडा इंडस्ट्री की बात नहीं करते हैं, हम साथ ही साथ बात करते हैं हमारी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा जो कोक होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, गैस भरी हुई होती है, ठीक है, गैस होती है। तो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें गैस नहीं होती है। तो हमें डिसाइड करना है, हमें एनालाइज करना है कि जो हमारा बाहरी इंटरनल फर्म्स है, जो बाहरी हमारी फर्म की इन्वायरमेंट है वो कैसी है, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या दे रहे हैं, किस चीज़ से हमें क्या अपॉर्चुनिटीज हम ग्रैप कर सकते हैं, हम उन सब के बारे में जान सकते हैं अपने एक्सटर्नल एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फाइव पोटर्स मॉडल, तो उसे देखना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स आज का लेसन इतना ही था, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।